टी न्यूज़ देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। प्रोग्राम दिल दीआं गल्लां लैके हाजिर हाँ मैं सुखजिंदर। अज दे प्रोग्राम दे विच तुहाडे नाल एक बहुपक्षी शख्सियत नाल मुलाकात करावांगे। शख्सियत जिहड़ी हैगी है वह वैसे पेशे वजों पत्रकार ने, पर पत्रकारी दे नाल नाल उहनां दे विच लेखक भी अंदर छुपया हैगा ते उहनां दीआं किताबां भी आईआं बहुत सारे मैगजीना विच दहाकियां तो उन्हां दे आर्टिकल छपदे आ रहे हैं। तो उस दे नाल नाल वो एक गायक भी ने, कविसर भी ने, तो उस तो अगे जे आपां गल करिए ते अदाकार भी ने। सो मेरी मुराद है जी साढ़े बहुत ही प्यारे मित्र पत्रकार गुरनैब साजन होना तो जो साढ़े स्टूडियो दे विच मौजूद ने। साजन साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। डी न्यूज़ पंजाब दे दर्शकों नूं, देशां विदेशां विच बैठिआं नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। गुरनैब साजन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਜੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮਨ 'ਚ? हाँ, बहुत मेहरबानी जी, धन्यवाद जी। जिहड़ा तुसीं जिक्र कीता वी गीत बारे, किसानी घोल बारे, क्योंकि किसानी दा सानू सारयां नूं पता वी जिहड़ी पंजाब दी जवानी सी, पहलां जवानी नशियां 'च गलतान हो गई सी, गहरियां सांसां रचियां जांदियां हुंदियां। दिल्ली हमेशा कदे वी दिल्ली ने साडे नाल वफा नहीं कीती। पंजाबी जदों पंजाब थोड़ा जिहा उहनां नूं लगदा खुशहाल आ, इह लोक सौखे हो जांदे आ, ते दिल्ली तों कोई ना कोई फरमान जारी हो जांदा। दिल्ली हमेशा तो मुढ़ कदीमों ही जदों देखते हैं, जदों कोई मुगलों ने कोई इत्थे हमले करने होंगे सी, वड्डे वड्डे हमलावर दिल्ली तो होके आते हुए सी। तो जिहड़े पंजाबी आ, जिहड़ी सिख कौम ही आ, जिहड़ी खंडे की धार चों पैदा हुई कौम आ, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने साझी कौम आ, इन्हां ने हमेशा ही दा मुकाबला किया हमलावरां दा, इन्हां नूं जिहड़ा इन्हां दा मूँह मोड़िया इस पक्षों। तो वेखो जी, दिल्ली के किले ते भी झंडा चढ़ाया केसरी, तो उधरों लाहौर के किले ते भी चढ़ाया। बहुत वड्डियां जिहड़ियां हरी सिंह नरूआ वर्गे, साहब सिंह टारी वर्गे, तो महाराजा रणजीत सिंह वर्गे जिहड़े योधे आ, इन्हां ने बहुत वड्डियां जिहड़ियां कीता साडे कौम लई। बाकी जिहड़ी गुरु दी बरसोई धरती आ, नानक पातशाह ने बूटा लाया सिक्खी दे ते इस धरती ते, पंजाब दी धरती पवित्र धरती ते, दसवें पातशाह तक जिहड़े गुरु साहिबाना ने इत्थे जिहड़ा इह धरती ते इन्हां ने बहुत हले होए आ, ते पर इत्थे जिहड़ी उह गल करदे मिटाउण दी गल करदे आ, जिहड़ी कोई इहदियां जड़ां नूं खतम करन दी गल करदे आ, पट्टण दी गल करदे आ, उह आप ही पट्टे जांदे आ। ते उहदे करके वी जिहड़ी दिल्ली आ, दिल्ली ने वख-वख समें ते जदों कोई असीं खुशहाल हो जांदे आ, साडी कोई नौजवान, क्योंकि साडे जिहड़े लोक आ, पंजाब दा किसान आ जां मजदूर आ जां हर वर्ग आ, असीं मेहनती लोक आ। नानक पातशाह की जी किरत करो बन सको नाम जपो दे धारनी आ, असी ते असी रब का भय मनण वाले लोग हाँ, असी किसी का बुरा नहीं करते, तो असी सहिंदे भी नहीं जे साडे अणखी लोग आ, साडे जिहड़े मान लो गैरत वाले गैरतमंद लोग आ, तां करके जिहड़े इह धाड़ भी आउंदे रहे आ, उहनां नूं इहनां ने मूँह तोड़वा जवाब दित्ता विआ, ते हुण वी जिहड़ी इह धाड़वी दे रूप च होणा जिहड़ी गल आ। हुण जिहड़े धरने लग रहे आ, जिहड़े आपणे मोदी सरकार ने जिहड़े खेती बिल पास किए आ, भावें कह रहे आ भी ये बिल जिहड़ी किसानी नूं असीं उपर उठाउण लई किए आ, पर जिहड़े किसान आ, भावें जिहड़े किसानां दी गल करिए, जिवें जिहड़ियां जथेबंदियां 30 जथेबंदियां आपणे पंजाब च, ते 250 जथेबंदियां देश च आपणे, जिहड़ियां किसान जथेबंदियां 250 देश च, ते 30 जथेबंदियां जिहड़ियां पंजाब दियां, ते कुछ भरातरी जथेबंदियां रल के सारिआं ने जिहड़ा, क्योंकि लोक इन्ने अणपढ़ नहीं जिन्ने इह समझदे आ, इह जिहड़ियां सरकारां समझदे वी अणपढ़ लोक आ, इहनां नूं की पता। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੀਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜੀਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਾਣੀਆਂ ਅਲਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ।
किसानों ने वो मैं भी मेरे अक्सर की है भी साढ़े पत्रकारी का साढ़ा दायरा हों एरिया हों मेरा एरिया यह भी मैं उत्थे खबर तो कोई ला नहीं सकता से आप एरिए चो फिर मैं सोचा भी आप कोई ना कोई योगदान तो पाना ही चाहिए मैं धरन से जाता एक मेरे को चैनल जरिए जाके मैं कुछ उतो उन्होंने कवरेज कर लिया तो एक दो स्टोरियां पा दिता सो मैं भी सोचता से भी अज एक चिड़ी वाली गल जी आप गल करिए भी जिम्मे कोई चिड़ी अग बुझा गई सी तो उन्होंने कह दे जानवर दूजे भी तू की करेंगे एक चुंझना पानी पा देनी अग बुझू जंगल की अग वो आते भी जो इतिहास से ना लिखा जाऊगा ना भी मेरा अग लाने वाले ना नहीं आऊगा बुझाने वाले चाहूगा सो मैं भी सोचा भी अग फिर लाने वाले तो बहुत आसी एक असं भी क्योंकि पिंड च रहने वाले हैं असं भी किसानों के पोती हैं कि थोड़ी जमीन आ जमीन तो है ना तो फिर भी जो मजदूर आ दिहाड़ी करने तो लैके जो असं दुकानदार भी हैं असी मतलब हर वर्ग से जो ये प्रभावित होया फिर मैं सोचा भी उत्थे मैं कवरेज करता रहा लगातार उन्होंने कई दिन कवरेज फिर मैं सोचा फिर इतने मेरे दोस्त आ वधिया वड्डे भी कृपाल माणा जी माने ने मैं यार सारे कलाकार गीत करी जाते मैं भी एक मेरा पहला गीत आ चुकया सी खुदकसियां अज किसान करे चिट्टे ने गभरू मारे वो किसानी सी उदों थोड़ा जिहा पहला दी गल है फरवरी च इह 2020 होया सीगा असीं यूट्यूब ते पाया सी उदों वो समा सी जवानी ते किसानी दा दौर सी जदों सासखा रज के इन्हां नूं जवानी जादे पासे लगातार चिट्टे दी शिकार हो रहे सी फिर ऐतकी इह समा आ गया भी हुण समा दी नब्ज टटोल जां फिर मैं माणा जी नूं गल करी भी माणा जी मैं उत्थे यार धरनियां ते जांदा रहिंदा ते पर भी उत्थे लोक यार एडे तां नहीं इह गल भी अनपढ़ लोक जिहड़े इह समझी जांदे आ बहुत सूझ सोझीवान लोग आ तो आपां नूं भी इस जिहड़ा अंदोलन आ जिहड़ा इह युद्ध आ इहदे च आपां नूं योगदान पाउणा चाहीदा तो उन्होंने फिर गीत इह लिखिया जिहड़ा ते साडे दर्शकां लई दो बोल जी गीत दे गीत दे बोल आ जी तेरे पुठे कम सरकारे नी हुण नहीं चलने तेरे लारे तेरे पुठे कम सरकारे नी हुण नहीं चलने तेरे लारे तैनू लोक लाणता पौण निगागा ढोला बाजियां ते लोक लाणता पौण निगागा ढोला बाजियां ते बबर सिरा ने लाले थरने टोल पलाजियां ते हां बबर सिरा ने लाले थरने टोल पलाजियां ते 60 महीने मगदी सी तेनू दुगने दिते नी तू सरकार गिण गिण के सत बदले लीते नी तू सरकार गिण गिण के सत बदले लीते नी आ महला चो बाहर निकल के तक दरवाजिया ते आ महला चो बाहर निकल के तक दरवाजिया ते बबर सिरा ने लाले थरने टोल पलाजिया ते बबर सिरा ने लाले थरने टोल पलाजिया ते वाह जी वाह साहब जिहड़ा किसानां दा संघर्ष है और जिहड़े संघर्ष कर रहे किसानां दा जोश इस गीत नाल दूणा चौणा हो जाऊगा इस जिहड़ा गीत ते जिहड़ा वीडियो फिल्मांकन भी मैं देखिया हैगा माणा जी जिहड़ा असीं सोचा सी जदों गीत लिखिया सी माणा जी ने तां असीं उह वेख के उस हिसाब नाल लिखिया सी वी गीत जिहड़ा वीडियो बणाईए उह वी किते ओरिजिनल ही होवे क्योंकि कई वारी अक्सर असीं नाटकी ढंग दे नाल असीं वीडियो करदे आ उह डुप्लीकेसी जी हुंदी आ उहदे च तो ये असी उत्थे जिहड़े टोल प्लाजा साडा जीडे टोल प्लाजा ते धरना लग्गिया जिहड़े उत्थे बठिंडा ब्लाक ते भगता ब्लाक भारतीय किसान यूनियन एकता अग्राहां जिहड़े साडे बठिंडा दी इकाई आ ते उहदे च अमरीक सिंह ब्लाक प्रधान आ ते बसंत सिंह ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਭਗਤਾ ਦੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ ਮਾਲਣ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਬਾੜਾ ਭਾਈ ਕਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਸਪੀਚ ਕਰਦੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਆ ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਗੀਤ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਰੀਜਨਲ ਗੀਤ ਬਣੇ ਇਸੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਕੀ ਸੀਮਤਾ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਝੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਲਮਾ ਇਹ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਦੋਂ ਆਹ ਮੁੱਠੀ ਖੁੱਲੀ ਆ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਖੁੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
फिर जी मैं दिल च सोची सी वैसे रमाणा जी मैं मालिक तो डर के आना भी जी मैं दिल च धार ला जा सोच ला जनूनी जहा बंदा मैं तो वो मालिक ने मेरी पूरी की है क्योंकि मैं चंगियाई वाले पास जाना हूं भी चंगा कम हो जाए अपना मान लो ए हो जाए तो वो फिर मैं सोची सी ये गीत न मैं इस ढंग ना हो करा तो क्योंकि जे वैसे क्राउड देखते तो जिम्मे फिल्म वाले इन्ना कट्ठ करते हैं तो उन्होंने बहुत कुछ करना पैंता है ना तो वो फिर सानू सारा कुछ उत्थे सारा कुछ ही मुहैया से फिर उन्होंने सानू स्टेज भी दी तो वो बीबिया जिहड़ियां लड़कियां सी वेखो एक बच्चियां बच्चों तो लैके उत्थे बच्चियां साडियां जिहड़ियां नौजवान लड़कियां जिहड़े साडे नौजवान आ जिहड़े बजुर्ग आ सानू हर वर्ग के जिहड़े लोग आ जिहड़े उत्थे धरनियां ते बैठे आ तो उन्होंने सानू पूरा साथ दिता असीं टोल प्लाजे दे अगे जिहड़े उन्हां दा जोश भी दिखाया उन्हां दा सारे दा ते इस तों बाद स्टेजा ते स्टेज ते भी गीत नूं गाया नाल मेरे उत्थे जिहड़े धरने च कोई वो इन्नी ट्रेड नहीं सी कोई जिहड़े मुंडे सीगे नौजवान जिन्हां ने नाल मेरे कोई कोर्स दिता जां करिया चलो गीत दा वीडियो फिल्माया फिर बहुत प्यार दिता जी उन्होंने बहुत किसानां ने जिहड़े क्योंकि पहला लोग जिहड़े किसान जथेबंदियां दे लोग सी लोग कहिंदे वेहले लोग आ यार जिहड़े दी घरे नहीं चलदी वो वेहला किसान जथेबंदी च जा वड़दा ते पर अज्ज आपां देखदे आ वी जिहड़े वो वेहलड़ा जिन्हां नूं असीं कहिंदे हुंदे सी अज्ज उह धुरा बणे बैठे आ क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा संघर्ष आ जे उह चलाउंदे आ तां फेर ही जाके मान लो हो रिहा सरकारां वी थोड़ियां थोड़ियां झुकदियां इन्हां गल्लां पिछे जथेबंदियों तो बिना कुछ नहीं लड़ सकता जी जरनैलों तो बिना फौजा नहीं लड़ सकती तो जेडे इन्हों के जरनैल आ बहुत मजबूत आ भावें भारतीय किसान यूनियन एकता उगराह हो भावें एकता मान लो जी डका हो ग्रुप भावें सिद्धूपुर हो कोई भी हो क्योंकि 30 जथेबंदियां रात्रि जिहड़ियां किसान जथेबंदियां तो मैं तो यह समर्पित किया इन्हों जी किसान जथेबंदियां जिहड़ियां हर मजदूर हर वर्ग जी रात्रि जथेबंदियां मैं क्योंकि इन्हों सारे सलूट करता सारे सलाम करदा यह गीत मेरा इन्हों जथेबंदियों समर्पित आसी उत्थे स्टेज पर फिल्माया जी सारा जीदा टोल प्लाजे ते वो असी पूरा वीडियो तैयार किया जी साडा जिहड़ा मेरे बेटा ही आ अमृत कोटली तो आ साडा मेरे रिश्तेदारी चो लड़का मेरे ते वो एक मेरा बेटा राजवीर साजन इन्हां ने वीडियो बनाया ते इहदी कमांड जिहड़ी सीगी साडे कृपाल माणा जी गीतकार वड्डे भाई साहब इन्हां दे हत्थ सीगी ते इहदों बाद मेरे नाल साडे मेरे पिंड दे डाक्टर चेत सिंह आ ते इक जरनैल सिंह आ दौण तों ही मेरे साथी आ जिहड़े बिरणा क्योंकि असीं पहलां तों विचरदे रहे आ बचपन तों ही विचरदे रहे आ आपस में जो विचार मिलते हैं साडा प्यार मुहब्बत आ तो फिर इन्होंने भी मैनूं सहयोग दिता बहुत तो होर मेरे मित्र आ जिहड़े इहदों बाद क्योंकि इहदे च पैसा चाहिए हुंदा पैसा फिर मेरे कोल इन्ना कोई आउण लग्गा सी हुण हाँ जी हाँ जी हाँ जी यही है कि जिहड़ा अजकल बहुत ज्यादा महंगाई का युग है जी तो जदों कोई आपां गीत तैयार करने नाल वीडियो भी जरूरी है जी तो उस ते काफ़ी उपराला करना पैंदा खासकर जे पैसे की गल करिए तां किवें तुसीं इह सब उद्यम कीता फिर इह तां रमाणा जी वेखो घर फूक के तमाशा मैं वैसे ही वेखदा रहिंदा पहलां भी जे मैं पत्रकारी करता सी जां लिखदा सी तां मैं आपदी फोटोग्राफी जिहड़ा उधरले पासे ला दिंदा सी ते जे मैं मान लो इस पासे आया तां हुण किहड़ा हुण भी मेरे कोल कोई ओना आमदनी तां है ही नहीं क्योंकि मेरा फोटोग्राफी जिहड़ा कि मैं 30-32 सालां तों कम करदा सी ओह हुण मैं बंद करता मेरा क्योंकि चलो बेटा कम करदा फिर करोना की मार भी पै गई है सारे पासे इहदों बाद पत्रकारी चों भी कोई कमाई वाला साधन तां है ही नहीं असीं तां है ही नहीं असीं तां कमाई करनी नहीं पत्रकारी चों चलो जो कुछ हुंदा तां बहुत कुछ आ पर असीं सोचदे आ वी उत्थों उस पासों भी कमाई वाला कोई साधन नहीं उह भी बहि गए ते फिर लिखणी वाले पासे तो वैसे ही नहीं आते होंगे पंजाबी लेख बना दो आते होंगे जिन्होंने दुश्मनी कढ़नी होवे पुत्र तो वह ये गल्लां ता करके मैनू तां शराब सारे मिले हुए आ ते मैं हंडाए आ ते मैं नंगे पिंडे हंडाए आ ते मैं पर इस चो बहुत इम्तिहानां चो सफल होके निकलिया तो करके जिहड़ा पैसे की गल सी पैसे का यह हो जाता भी कुछ सहयोग बहुत दे दिंदे चंगा काम करो ना लोग नाल जुड़ते हैं मेरी जिहड़ी मित्रां दी श्रेणी आ जिहड़ी मित्र मिले बहुत आ जिहड़े सहयोगी आ उह मेरे नाल बहुत आ हुण वेखो जी जे मैं देखा हुण जे आपां उह परमात्मा किहड़ा किसे ने देखिया किसे ने जदों उह उतर के थोड़ा आउंदा उह बंदिआं दे रूप च इनसानां दे रूप च वसदा जदों मेरा हालात उह जे सी मैं पत्रकारी करदा सी मैं इमानदारी नाल जदों रखदा सी तां मेरे कोल भी कुछ नहीं सी फिर मैं बच्चे मेरीआं बेटियां दो दा मैं विआह करना सी उह मालक ने कुछ ना किसे रूप च उत्थे भी भेजे सी ते फिर आ तां कम कोई बड़ा वड्डा नहीं सी ओह जग जदों एडे एडे कर ले मैं ते ओह आ इहदे च भी फिर मैं कुछ पैसे करजे दे चक ले मेरा एक मित्र आ जी ओह उहनूं मैं कहा यार मैनूं 10,000 रुपया दे ते ओह आहदा वी मेरे कोल है नहीं यार मैं फड़ के दे दिंदा आहदा चलो मैं व्याज मैं दे दूं यानी व्याज तां इह आ वी की पता उह मैं महीने नूं ला दिआं जां किवें मिला पर केरा तां मैनूं 20,000 रुपया फड़ना पिया जी कुछ मेरे मित्रां ने मैनूं थोड़ा थोड़ा सहयोग दित्ता जिवें पोस्टर्स पाउणे सी साडे डाक्टर चेत सिंह आ जां जरनैल सिंह आ जां कोई एक राकेश गिदड़वे तो मेरा दोस्त एक वधिया उन्होंने कहा यार तू पोस्टर्स पा सी तैनूं इहदा इन्नी तेरी मदद कर दिंदे आ जिहड़ा स्टूडियो च साडे बिक्का मनहार जी ने उन्होंने मैनूं कहा यार कोई नहीं तेरा हत्थ नहीं मोड़दे जिवें तू कहेंगा उवें कर लांगे तेरा वधिया म्यूजिक बना के देवांगे ते वीडियो च असीं आप कैमरे साडे कोल आपदे हैगे आ उहदे च ऐं करके कोई पैसा तां लग्गिया पर जिवें लगना लगदा हुंदा उवें नहीं लखां ते नहीं गल गई उह तां थोड़े जिहे क्योंकि साडे कोल सी उन्ने एक
सीमित साडे कोल जिन्ने के साधन सी असीं उस हिसाब नाल कर लिया। तो चलो कोई गल नहीं, चंगे पासे लग्या आपां जे कोई दो पैसे लाउणे आ भावें उह करजाई हो जाईए चंगे पासे हो जाईए तां उह उह लै जांदा हुंदा। ते जिहड़े होर हुंदियां बीमारियां हुंदियां जां कोई गलत पासे पैसा लगणा उह उह करजा उह उह नहीं उतरदा हुंदा। तो इहदा तां मैं तां पहलां तों आई चलदा आया। तो अगले समय च मेरी एक किताब भी जिहड़ी हुण मैं मेरी सफाई अधीन आ ते शराब की बोतल ने फनाह की औरतां, वो मेरी करोना करके थोड़ी जी रुकी है, मैं टाइप कर जिहड़ी सफाई करनी दित्ती भी है। चलो सोचते हैं भी जो वधिया कोई प्रोग्राम रख के उन्हूं किताब नूं रिलीज करांगे। किताब दे जिहड़ा तुहाडा उहदा टाइटल हैगा उत्थों इह लगदा जिवें भी उह सच ते आधारित ही लगदी है। रमाणा जी पता की है, मेरी जिंदगी वैसे सच दे नेड़े रही है, क्योंकि जदों एक लेख हुंदा ना जी, जिहड़ा लेख उहदे नाल जुड़दे लोक बहुत आ, क्योंकि हुण जिवें मैं एक कोई लड़कियां दी गल करदा जां औरत दी गल करदा आपदे लेखां च, तां उहदे नाल साडे नाल सुभाव की है वी उह जुड़ जांदे आ। जुड़ना मतलब फोन ते गल हुंदी आ वी उह जिहड़ा दुखी आ। एक लड़की ने मैनूं फोन कीता वी उह इको टीसे खां तों सी कोई लड़की, वह मैनू आँदी जी मैं एक सूँ सवाल करना चाहनी है, मैं दसो भी बा आँदी जी जे मान लो एक लड़की सहुरे घर व्याही जाए तो उन्हू उ मान लो कोई बीमारी हो जाए बाद ते की उहदे सहुरे परिवार नूं उहनूं छड्ड देना चाहीदा, क्यों क्यों उहदा इलाज करवाउणा चाहीदा। आंदी जे उस टाइम ते लड़की व्याही जावे ते उहदे पति नूं बाद च कुछ हो जाए व्याह तों बाद, की उह लड़की नूं छड्ड के आउणा चाहीदा कि उहदा इलाज करवाउणा चाहीदा, उहदी सेवा करनी चाहीदी। मैं वी सेवा करनी चाहीदी है। आंदी मेरे नाल उल्ट हो रहा, आंदी मैं चंगी पढ़ी लिखी लड़की हाँ ते मैं उधर तरन तारण कन्नी व्याही सी ते उत्थे फिर उह जे होया वी जदों मेरे मैनूं कैंसर हो गया पहली स्टेज ते कैंसर दा पता लग गया मेरे सहुरे घर परिवारां दे विचारे तों, चलो भी असी तो तेरा इलाज नहीं करवाना भी तेरे तो कैंसर आँदी भी मैनू बीमारी है, बीमारी तो कितनी हो सकती है, किसी भी हो सकती है। जे थोड़े मान लो मेरे पति को हो जाती, थोड़े बेटे को हो जाती, फिर कहना मैं छड़ के जा वड़दी, मैं तो रहना सी। वो चलो जी, वो लड़की को मैं बहुत हलासरी दी, हौसला दिता। वो लड़की अज मेरे करके नहीं हुई भी वो जिवें मैं इलाज तो उन्होंने उहदियां भरजाइयां उहदे भरावां ने कराया उन्होंने, तो वह एक मैं लेख लिखा जी धी दी होनी, उसमें यह जहाँ कुछ लेख लिखा जी वेखतियां के लेख शायद दो किस्त छपया से वो उसे लिखा, मैं ना नहीं चलो पाया हूँ ना नहीं, असं पात्र नहीं पाने होंगे दसना नहीं हूँ। तो वो फादर ने आर्टिकल उन्हें बेटी ने पढ़ाया उसने उन्होंने आपके फादर को, क्योंकि शराब भी सुबह तो पीता हूँ सो उन्हें जो पढ़िया भी तो मेरी बेटी की कहानी है, तो वो अखा खुल गई। तो उन्हें मैं फोन कराया आपकी बेटी को, मैंने आता जी तुम गुरनैत साहब जी ने बोलते, मैं हाँ जी आते तुम कोई ए करके लेख लिखा तो भी मैं इस गल से शर्मिंदा भी एक बाप होने के नाते ही नहीं मैं कुछ बात बच्चा नहीं कर सकता, तो तुम एक लेख होने के नाते करता तो वेखो भी वो भी जेडे हूँ इलाज मेरी बेटी का प्रोपर ढंग हो जाता। तो मैं तो एक अपने आप में एड्डी नमूसी मनी जाता भी मैं कई यार बच्चे दिते ही की है है ना। फिर मेरी जिंदगी कुछ ऐसी औरतों के ये कुछ लोग भी आए थे भी जोड़े बेचारे आप एक लड़की आप जमीन देखते हैं बिल्कुल 50 किले जमीन आ जी जमींदारी परिवार अच्छा खास करके ये भावें आप 4-5 किले 2 किले वाला हो पर जो लड़की व्याहूगा वह 10 किले वाले व्याहूगा, वो नहीं सोचता भी मैं आपके अर्गे व्याह दें तो वो फिर वो करजा चक ही वो करना होंगे ना ये चक्के फस लेने वाली गल हो जाती है। तो वो करके कुछ ऐसी लड़कियां से वो वेखते नहीं माँ मापे हूँ मैं एक मापे जरूर गुजारस करूँगा तो ये मेरी गल यही संबंधित भी जो मा एक रिश्ता वेखते हैं तो उदों जो कह देंगे जट का पुत तो कोई नहीं शराब पी लेंदा साढ़े तानू आस त्रास की साड़ी गायकों ने चकी है साड़ी ये गल, क्योंकि वह कह देंगे कोई गल नहीं जट नूं कुछ बनाता इन्होंने बिल्कुल जट कौन आ ये जट तो मान लो जे इतने आप पंजाब की गल करिए किसान आसी इतने है ना एक खेती करने वाले जट तो सब दी होर आ जिहड़ा ये वरती जाते हैं तो असी साडी जवानी है जिहड़ी वो होर ही पासे जा रही है भी जट 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 करके सानू वेखो फिल्मों चो भी वो कर लिया कमाई कर ली गायकों ने भी कर ली तो करके फिर वो जो कुड़ी ने गल मतलब उन्हें रिश्ता देख गया तो वह मुंडा शराब पीता जी तो वह तो जो आसे पासे अभी पता लें होर गल सर दें कहने यार कोई नशा तो नहीं करता मुंडा तो वह मुंडा नशा करता है तो वह बाप आता कोई गल नहीं जटा के पुत करते ही होंगे तो अज वो लड़की चलो मैं ना नहीं दसदा पिंड का ना नहीं दसदा वो भी समझ जाएंगे जो गल मैं करदा क्योंकि भी अजे केस चली जाता तो वो लड़की की हालत यह है जी उन्होंने 40-50 रुपया 40 लाख रुपया भी लाया जमीन भी गहने धरी बै करी तो फिर वो जो वो मुंडा जिन्होंने कहते थे कोई नहीं हट जूगा आप एक होर कह दें माणा जी भी जो विह हो गया आपे नशा पत्ता खाने हट जूगा कोई गल नहीं पहला पहले हों जिम्मेवारी पैजूगी वो जिम्मेवार नहीं पैदा जी जो पहले जो ये नशे पत्ते करता तो वह फिर बाद भी यही कुछ करता फिर ता करके वो जे आप असं हथी जे गला घुटते हैं एक बली दें साड़िया धियां की तो वह कुछ जिंदगी मेरे कुछ आर्टिक लेख आ जोड़े वैसे मेरे सवे जीवनी है ये मेरी जिंदगी का निचोड़ आ जी जिंदगी मेरे मैं कितने कितने की कर मैं अपने आप में भी बरी नहीं कर मेरी किताब च मैं बरी नहीं किया भी मैं बड़ा दुध धोता ये भी औरत नूं वेख के जरूरी नहीं भी असीं बदनाम नहीं करना हुंदा क्योंकि मैं सत्कार करदा औरत
ਦੀ ਹਰ ਰੂਪ ਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹਟਾਇਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਯਾਰ ਵੀ ਐਂ ਵੀ ਮਾਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਤਰੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਊਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਣੀ ਨਿਬੇੜੀ ਆਪਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਅਰਥੀ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਈ ਤੇ ਧੀਆਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਖ ਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦੀ ਨਿਗਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਅਰਮਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਗੀਤ ਪਾਇਆ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਲਾਸਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਿਊਬ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਨਕਾਰਨਾ ਜੇ ਨਕਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨਕਾਰ ਵੀ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੀਤ ਕੋਈ ਮੈਥੋਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗੀਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿਓਗੇ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾੜਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲੈਣ 'ਚ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਭੱਜ ਨੱਠ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਇਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਣਾ ਚੋਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਲਾਲੇ ਧਰਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ ਸਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਜਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਹਾੜਦੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਗੀਤ ਆ ਜੀ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਸਮਝਣ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੂਗੀ ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ